हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने तो बैंगन की बहुत सी रेसिपीज खाई होंगी और बैंगन का भाजा भी ज़रूर खाया होगा। एक बार इस तरह से बनाकर ट्राई कीजिएगा। इसमें हमने एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स मिलाया है जिसके कारण एक छोटे से चम्मच में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा तेल सोख करती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने चार फ्रेश बैंगन लिया है और इसे हम थोड़ी मोटी मोटी स्लाइस काटेंगे। बहुत पतली स्लाइस हमें नहीं काटना है। आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि बरसात के दिन में कीड़े होते हैं। एक बर्तन में मैंने एक चम्मच मसाला लिया है, हाफ़ टेबल स्पून साल्ट और हाफ टेबल स्पून हमने चिली फ्लेक्स, हाफ टेबल स्पून हम हल्दी लेंगे। मसाले की क्वांटिटी आपका जितना बैंगन का भाजा बनाना है उसी के हिसाब से आप रखिएगा। और इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। एक बड़े चम्मच पानी मैंने डाला है और अगर आप चाहते हैं अमचूर डालना तो अमचूर डाल सकते हैं। हम नींबू इसके अंदर डाल रहे हैं। हाफ नींबू का पोर्शन था पर इसमें से थोड़ा सा मैंने निकाला क्योंकि नींबू की साइज़ काफ़ी बड़ी थी। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। फिर एक बड़े चम्मच चावल का आटा डाल लें। आप मैदा या बेसन भी यूज़ कर सकते हैं पर बेसन जब हम यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऑयल सोख करता है और चावल का आटा जब हम इसमें लगा के बनाएंगे तो इसका पूरी तरह से बैंगन को कोट कर लेगा और ऑयल ज़्यादा नहीं खींचेगा, इसलिए हम इसके अंदर डाल रहे हैं चावल का आटा। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। बैंगन को आप चाहें तो थोड़ा सा फोक से या चाकू से इसमें छेद कर लीजिए ताकि मसाला अच्छे से कोट हो जाए। अब इसे हम रख दे रहे हैं थोड़ी देर मैरिनेट करने के बाद। एक छोटे चम्मच तेल डाल रहे हैं और इनके टुकड़ों को लगातार निकालते हुए जो मैरिनेट करके रखे थे उसे फटाफट हम अपने पैन में डाल दे रहे हैं। जितना स्पेस हो उतने में आप डाल दीजिए। इसे डालने के बाद धीमे से आप थोड़ी देर बाद, एक मिनट बाद इसे सरका लीजिए। अभी आप गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा और इसे हम जैसे जैसे हमारे एक साइड से कुक होते जाएंगे उनकी साइड्स को चेंज कर देंगे और धीमे धीमे इन्हें हम सरका लेंगे। और जब ये बनकर तैयार हो जाएंगे तब हम इन्हें निकाल लेंगे। अगर आपको लगे कि किसी में मसाला कम लगा हुआ है तो ऊपर से आप चम्मच से इसी तरह से लगा सकते हैं और धीमे धीमे इन्हें पलट लीजिए। फ्लेम को मीडियम रखिए और उलट पलट कर अच्छे से सेक लीजिए। जो फर्स्ट पोर्शन है राउंड वाला उसमें एक ही तरफ मसाले लगते हैं, दोनों तरफ नहीं। आप चाहें तो इस पोर्शन को निकाल दे सकते हैं पर ये निकालना मीन्स वेस्टेज हो जाएगी वेजिटेबल की। तो मैंने एक साइड से भी जो मसाले लग रहे थे तो उन्हें भी मैंने उसी तरह से तल लिया क्योंकि सब्ज़ी को वेस्ट नहीं करना है। आप चाहें तो ये तलने के बाद इसके ऊपर आप चाट मसाले भी मिक्स डाल सकते हैं। इस रेसिपी को आप निकालने के बाद, बनने के बाद ठंडा करके दही फेंट के जैसे हम रायता बनाते हैं सेम उसी तरह से बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होगी। जब हम पुलाव वगैरह बनाते हैं तो इस तरह के रायते बना सकते हैं। अगर कोई मेहमान घर में आए तो भी आप बना कर खिला सकते हैं। एक भाजा उन्हें सर्व कर सकते हैं और उसका थोड़ा सा पोर्शन निकाल कर आप इसे रायता बना सकते हैं। सेम इसी तरह से बैंगन की कढ़ी भी बना सकते हैं। कढ़ी बनाने के बाद जहां हम पकौड़ी डालते हैं वहीं इसका यूज़ आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और कम ऑयल में बनी है। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो सिर्फ एक चम्मच में बनकर तैयार होगी। अब आप देख रहे हैं नीचे पैन में बिल्कुल तेल नहीं है पर मैं तेल नहीं डालूँगी। इसको लो फ्लेम में थोड़ा सा ढककर पका लूँगी ताकि बिना ऑयल के भी ये सिक जाए। अब हमारा भाजा बिल्कुल बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।